हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल डेटा स्टूडियो ट्यूटोरियल में, और आज का हमारा टॉपिक है बुलेट चार्ट, हाउ टू क्रिएट अ बुलेट चार्ट इन गूगल डेटा स्टूडियो। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बुलेट चार्ट बना सकते हैं, कैसे इसे आप अपने डैशबोर्ड में ऐड करेंगे, कैसे इसे कस्टमाइज करेंगे और कहाँ इसका यूज होता है, किस कंडीशन में इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि इस तरीके की जो लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट टॉपिक पे जो वीडियो है, आपको जल्द से जल्द मिलती है। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी एग्जाम्पल लेता हूँ तो कम्फोर एसईओ का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये मैंने डेटा स्टूडियो का एक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बुलेट चार्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स, बुलेट चार्ट का जो यूज होता है जनरली, वो उस कंडीशन में होता है कि हमारा कोई टारगेट सेट है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अपना एक टारगेट सेट करते हैं। मान के चलिए मेरा टारगेट है किसी भी वेबसाइट पर जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, उस पर ट्रैफिक लाने का टारगेट है। तो मैंने कहा कि मेरे वेबसाइट पर जो सेशन टारगेट है वो होना चाहिए कम से कम 2000। ठीक है, कब होना चाहिए? नेक्स्ट कमिंग 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, जो भी हम अपना इसमें डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कस्टमाइज कर देता हूँ, इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, और इसका भी मैं फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ और इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर इसमें लगा देता हूँ, एक बॉर्डर मैंने लगा दिया, और एक इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हो गया, सेशन टारगेट मेरा क्या है, 2000। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इंसर्ट करता हूँ अपना, एक नंबर लेते हैं हम, सेशन का ही नंबर ले लेते हैं, जिसमें कि हम स्कोर कार्ड ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, स्कोर कार्ड। ठीक है, और ये स्कोर कार्ड क्या हो गया मेरा, यहाँ न्यू यूजर्स आ रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ सेशन में। तो मैंने ये सेशन ले लिया, सेशन में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेशन है। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ स्टाइल में जाके। देखिए, मैं जब भी करता हूँ क्या क्या कर रहा हूँ, तो आप इसे देखते रहिए, और इसी तरीके का आपको अपने डैशबोर्ड में या अपने चार्ट बनाते समय यूज करना है। तो जब मैं इसे देखिए कस्टमाइज करने जा रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको बीच में किया दोनों को, वैल्यू को और मैट्रिक नेम को। ठीक है, और अब मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 28 से मैं इसका 36 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक तो इसका बॉर्डर ले लेता हूँ ब्लैक, और इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड जो हमने ये चूज किया हुआ है ये ले लेते हैं। अच्छा, ये सेशन जो है इसका हम ब्लैक की जगह अब क्या कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, जिससे कि ये आसानी से दिखाई दे आपको। ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठा के, ब्लैक है इसको हम उठा के वाइट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम वाइट कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये आपको बहुत क्लियर मेंशन होगा। तो देखिए, हमने क्या लिया अभी तक, बुलेट चार्ट है हमारा, एक हमने टारगेट लिया कि हमारा 2000 का टारगेट है, और सेशन ले लिया। अब मैं इसमें एक डेट का कंट्रोल, डेट कंट्रोल और ऐड कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम अपना डैशबोर्ड भी बनाते हैं, कि एक एक चीज़ को हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। ठीक है, डेट रेंज कंट्रोल हम लेते हैं इसमें, हम ये डेटा कंट्रोल हमने ले लिया, डेट रेंज कंट्रोल लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इसमें डेट सेलेक्ट कर पाएँ। इसमें भी हम स्टाइल में जाके थोड़ा सा इसका कलर और ये सारा चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक तो इसका बॉर्डर बना देते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा साइज है इसका, इसको उठा के हम 30 कर देते हैं, ज़्यादा हो गया तो हम 18 कर देते हैं। ठीक है, और इसका कलर भी हम क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। नाउ ये हमारा तैयार हो गया कि हमें किस तरीके से जज करना है जो हमारा बुलेट चार्ट होगा। अब हम आते हैं अपने बुलेट चार्ट पे। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इंसर्ट, इंसर्ट में जाना है, ऐड ए चार्ट में जाना है,
और यहाँ पे आप देखेंगे देखिए हमारे सारे चार्ट होते हैं, टेबल है, स्कोर कार्ड है, टाइम सीरीज है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, गूगल मैप है, जियो चार्ट है, लाइन है, एरिया स्कैटर्ड पिवोट टेबल है। उसके बाद आपको देखिए दिखाई देगा बुलेट चार्ट और आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं इसे यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे अभी ये डिफॉल्ट वैल्यू उठा रहा है, क्या उठा रहा है अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से चेंज करना होगा, किस तरीके से इसे हम देखेंगे, किस तरीके से ये हेल्प करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें हमने सेशन का टारगेट लिया है 2000 का, अभी हमारे 106 सेशन है। तो हम क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी डेट रेंज बढ़ती चली जाए, अभी तो डिफॉल्ट डेट रेंज है लेकिन जैसे जैसे हम डेट रेंज को इंक्रीज करते चले जाएं तो उसमें हमारा ये टारगेट अचीव हो और इस तरीके से बार चार्ट इंक्रीज हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो 2000 का जो मेरा टारगेट है सेशन का, उसे मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देखिए रेंज लिमिट पहले की मैं कर देता हूँ 500, दूसरी कर देता हूँ 1000 और तीसरी कर देता हूँ 2000। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे थोड़ा सा इसको हम कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइज करने में हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक तो इसका हम बॉर्डर यहाँ पे जाते हैं और इसका एक बॉर्डर ले लेते हैं। ये देखिए इसका ये बॉर्डर ले लिया मैंने। ठीक है, बॉर्डर के बाद आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इसे हमें चेंज करना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये वैल्यू ले ली हमने। अब मैं आपको इसको व्यू दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी 106 है तो मतलब ये हमारा 100 के आसपास है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट डेट रेंज लेता हूँ और इसको पीछे 2-3 महीने के आसपास का डेटा ले लेता हूँ, मार्च से लेके और सेप्टेम्बर 8 तक का डेटा अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए मेरा कितना हो गया 802, तो 800 मीन्स अब मेरा कहाँ तक टारगेट अचीव हो गया, 800 तक, और मेरा टारगेट क्या है 2000 है। तो अगर आप इसको और बड़ा कर देंगे ग्राफ को तो आपको पूरा दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसमें ये तो हो गया मेरा बार चार्ट के बारे में। अब ये इसके बैकग्राउंड में जो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये भी थोड़ा सा ऐसा हो जिसे लोग आसानी से समझ पाए। तो हम क्या करेंगे, हम स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके देखिए ये तो हमारा बार कलर है और ये जो है हमारा रेंज कलर है। ठीक है, रेंज कलर को मैं इसमें फ्रेंड्स कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और अगर आप बार चार्ट को चाहें तो अब इसका कलर अगर हम चेंज कर देंगे ब्लैक में कर दीजिए या फिर रेड में कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अब आप देखिए और इसे हम व्यू करते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से इस बुलेट चार्ट को हम यूज करेंगे। अब क्या होगा, जहाँ पे भी ये हमारा लगा होगा, जिस डैशबोर्ड में हमने यूज किया है इसको, वहाँ पे हमें दिखाई देगा अच्छा सेशन टारगेट हमारा 2000 का है और देखिए अभी हम 500 तक ही पहुँचे, तो बहुत क्लियर पिक्चर हो गई। वैसे हम क्या देखते हैं, मंथ ऑन मंथ देखते हैं, इस मंथ में इतना था, इस मंथ में इतना था, टारगेट क्या है वो हमारा अचीव कितना हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किस तरीके से ये यूज करना है बुलेट चार्ट, इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये डैशबोर्ड को और इंटरेक्टिव बनाएगा, ये आपको समझ आया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।